तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, गेमिंग कैटेगरी से रिलेटेड अक्सर मेरे पास एक सवाल आता है जो कि गेमिंग वीडियोस पर कॉपीराइट को लेकर होता है कि अगर हम किसी भी पॉपुलर गेम पर गेमिंग वीडियोस को बनाते हैं तो क्या उस पर हमें कॉपीराइट आ जाएगा। क्या हम अपना एक इस तरह का यूट्यूब चैनल तैयार कर सकते हैं जिसमें हम गेमिंग वीडियोस को अपलोड करें लेकिन उस पर यहाँ पर किसी भी तरह की कॉपीराइट ना आए। क्या हम फेसकैम के साथ अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, या फिर क्या हम सिर्फ वॉइस को इस्तेमाल करें तो कॉपीराइट नहीं आएगा, या फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी गेमिंग वीडियोस को जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड करें तो उस पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड काफी सारे लोगों का अक्सर मेरे पास सवाल आता है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि पॉपुलर गेम्स होते हैं उन पर यूट्यूब वीडियोस बनाई जा सकती हैं या नहीं, तो सिंपली इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गेमिंग वीडियोस हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं और अपलोड की जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को यहाँ पर एक सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कॉपीराइट से बच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको कॉपीराइट देखने को मिल जाता है। अब इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड ऑफिशियल तरीके हैं या ऑफिशियल चीज़ें हैं, और साथ ही में मेरा जो पास्ट को लेकर एक्सपीरियंस रहा है गेमिंग चैनल से रिलेटेड कॉपीराइट को लेकर, वो दोनों ही चीज़ें मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देता हूँ कॉपीराइट रूल। डेफिनेटली YouTube के अकॉर्डिंग यदि आप किसी का भी कंटेंट रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं आपको उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो यदि आप किसी भी पॉपुलर गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या जिस भी तरह से आप उसको रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, फेस कैम हो, वॉइस ओवर हो या जस्ट नॉर्मल वीडियो हो, यदि वो चाहें तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, वो इसके लिए फ्री हैं। लेकिन मोस्टली केस में यदि आप देखोगे तो किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, क्योंकि जितने भी पॉपुलर गेम्स होते हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि उनके गेमिंग से रिलेटेड लोग वीडियोस बनाएं, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, ताकि उनकी जो गेमिंग ऐप है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉपुलर हो सके। और इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग जो कि गेमिंग देखते तो हैं बट खेलते नहीं हैं, वो भी लोग इस तरह की वीडियोस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और जो भी गेम चल रही होती है उसको वो यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ पॉजिटिव होता है, इतना सब कुछ अच्छा होता है, तो आखिर इन गेमिंग चैनल्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारी चैनल से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, पास्ट में भी और अभी भी आते रहते हैं, जहां पर काफ़ी सारे नए क्रिएटर जो कि अभी गेमिंग रिलेटेड अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों को कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। कई बार तो यहां पर कुछ रीजन होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी तरफ से रीजन समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी भी होती हैं जिन पर हमें कोई भी रीजन समझ में नहीं आता लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं आप सभी लोगों को एक बात बताऊं कि इन जनरली कभी भी किसी भी गेमिंग चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है, यदि सब कुछ आप एक अच्छे वे में ले जा रहे हो, सही वे में चला रहे हो। एग्जांपल के लिए कोई भी गेम को किस तरह से प्ले किया जाता है, गेम को प्रो लेवल पर कैसे प्ले किया जाता है, जो भी गेम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एडवांस चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर यदि आप कभी भी वीडियो बनाते हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ कुछ ही चीज़ों से स्टार्ट होती है जब आप गेम के बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए गेम में यदि कोई कमी ही है या गेम में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप उसको शेयर कर देते हैं, इसके लिए आपको स्ट्राइक पड़ जाता है। डेफिनेटली ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि यदि किसी भी चीज़ को लेकर किसी का यदि कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो शेयर कर सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा यही होता है, यदि किसी भी गेम से रिलेटेड कोई भी यूट्यूबर एक निगेटिव वीडियो लेके आता है उसको स्ट्राइक पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो हो गई केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना, लेकिन आप किसी भी गेमिंग ऐप से रिलेटेड यदि उसका कोई ग्लिच है, बग है, या आप उसमें जो है वो फ्री में चीज़ों को कैसे ले सकते हैं, उसके जो भी रिवॉर्ड कॉइन्स वगैरह होते हैं उनको आप यहाँ पर कैसे बाईपास कर सकते हैं, अगर ऐसी चीज़ें भी आप किसी गेम के बारे में बताते हैं, अगेन आपको उस पर स्ट्राइक आ जाता है। इवन अगर वो यहाँ पर आपको स्ट्राइक नहीं भी देते हैं तब भी YouTube की तरफ से आपको यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन आ जाता है। कोई भी यदि पेड चीज़ है, कोई भी यहाँ पर यदि कोई पेड आइटम है, पेड गेम है, आपको कभी भी उसको फ्री में अवेलेबल नहीं करवाना है, ना ही इन तरीकों के बारे में बताना है।
तो डेफिनेटली दोस्तों, यदि आप एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो गेमिंग से रिलेटेड, सो मोस्ट वेलकम है, आप जरूर करें। लेकिन गेमिंग चैनल को स्टार्ट करने से पहले बस मेरी इन कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें। हाँ, कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि अननेसेसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ना ही उन लोगों को जिनके चैनल पर आती है। बेसिकली हो सकता है वो गलत फहमी में दी गई हो, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है जितनी भी मोस्ट डेवलप्ड गेम्स हैं वो बाहर की कंट्रीज़ हैं, और हमारे यहाँ पर जो इंडिया में कंटेंट बनते हैं वो हमारी मोस्टली लोकल लैंग्वेज में बनती है। हो सकता है ऐसे में मिसकम्युनिकेशन की वजह से उन्हें हमारा गेमिंग टॉपिक ना समझ में आ रहा हो और वो इसे निगेटिव वे में लेकर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हों। सो आई होप दोस्तों अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अगेन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।